ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ये चाय मेरी फुफो की है। क्यों भाई, इस चाय में ऐसी क्या खास बात है? हमारी चाय में नहीं। खास बात तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीनी ज्यादा है, थोड़ी सी पत्ती ज्यादा है, और मेरी माँ की गुड़िया का बहुत सारा प्यार। ये तो बेईमानी है भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप भी चाय? चाय? मूड नहीं है। अच्छा, अगर इनका मूड नहीं है तो फिर आपका भी नहीं होगा, है ना? हाँ, मोहब्बत का तकाजा तो यही कहता है, लेकिन आपको इनकार करके हम अपनी साली को नाराज भी तो नहीं कर सकते भाई। क्या बदतमीजी है, आप ही देखें इनको हर वक्त मजाक करते रहते हैं मुझसे। आपकी आप ही को अपने बनाव सिंघार से फुर्सत मिले तो हम पर नजर करम करें। आपको बुरा लग रहा है मेरा यूं सजना सवरना? तो ठीक है, मन कर देती हूँ। मैंने ऐसे कब कहा, हम तो मुंतजिर हैं राइशे हुस्न तकमील को पहुंचे तो हम सराहना शुरू करें। क्या मतलब है, मैं बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती। फोन। डिजाइनर की कॉल। ड्रेस रेडी हो गया है? हाँ। अरे वाह, वो आपकी का ड्रेस रेडी हो गया है, आज रिसीविंग है ना, इसीलिए फोन आया। आप किधर? जहाँ समझ में आए तो मम्मी को संभालो। मैं कैसे संभालूं? प्लीज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खफा होकर तो आप और भी प्यारी लगती। प्यारी हूं तो हर हाल में प्यारी लगूंगी ना। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं, तुम्हारी मंजिल हूं। वाकई में लंदन से कोई बिजनेस की डिग्री लाए हो या फिर ये डायलॉग्स ही सीखे थे? For God's sake, यार। मेरी फीलिंग्स को तुम डायलॉग का नाम देकर उनकी बेइज्जती तो ना करो, और इस बात की मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूँ। तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो? हाँ चला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझ पर इसी तरह हुक्म चलाओ। तुम कहो समीर खान तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें सारी जिंदगी देखता रहूँ, कभी पलके ना झपको। तुम कहो समीर खान मेरी तारीफ करो तो मैं बोलता ही रहूं। तुम कहो समीर खान मुझसे, मैं कहूं समीर खान एकदम चुप। एकदम खामोश। हाँ खामोश तो होना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे यू माय प्रिंसेस। वो तो मैं इसे अकल पर पत्थर पड़ना ही कहते हैं समीर, इसके अलावा तो मुझे और कोई मिसाल नहीं सूझती। माही बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। तुम माही को चुनते ना तो मेरी खुशी हद से ज्यादा होती। अपने हुस्न पे नाजा औरतें जो होती हैं ना, वो अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। उसे खुद को सराहने से फुर्सत मिलेगी तो वो गर्दारी सीखेगी। उसका नखरा और खुदगर्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक वो माही है, फुफो जान कहते उस बच्ची का मुंह नहीं सूखता। मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है वो बच्ची, और समन के तो फरिश्तों को भी आज तक पता नहीं चला कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। इतनी सारी शिकायत, अभी तो वो आपकी बहू बनी भी नहीं है, और आपको अभी से उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। वैसे तुम थोड़ा सा गौर कर देना, तुम्हारी भी किसी से कम नहीं थी। यार ये तो बहुत हसीन लग रहा है और कीमती भी है। जाहिर है असली डायमंड है भाई, कोई नग थोड़ी है। वैसे ये तुम्हारी पुप्पो की चॉइस है या तुम्हारी? ये सारी चॉइस समीर की है। इसका मतलब समीर की चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ, वो कभी किसी कमतर चीज पे हाथ ही नहीं रखता, इसीलिए तो सारी दुनिया की लड़कियां छोड़ के उसने मुझे चुना। वैसे एक बात है समन,
समीर इंग्लैंड में रहा है, अपनी स्टडी भी वहीं की है और अब तो इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। ये तो हो नहीं सकता कि उसे वहाँ कोई लड़की पसंद नहीं आई हो, एक से एक अच्छी होंगी। ये तुमने समीर की तारीफ करते करते मेरी इंसल्ट कर दी है। ओ हेलो, मेरा वो मतलब नहीं था। मिली होंगी उसे लड़कियाँ, बहुत मिली होंगी, लेकिन वो आके रुका समन के सामने। ये तो है, वैसे टीनेज के जमाने से मरता है मुझको। और तुम? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, बगैर सहरे के कैसे आ गए आप अंदर? आपको आने किसने दिया? सहरा तो मैंने सिलवाया ही नहीं। सहरा कौन सिलवाता है भाई? सहरा पानते हैं बेटा, और वो फूलों की लड़ियां से बनता है। छोड़ दे बुको, अभी तो शुरुआत है ना पापा? हाँ बेटा, दूल्हा बनने के बाद मर्द को कुछ भी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दूल्हा बनना खुद एक बेवकूफी है। रहने दे भाई, आप भी माही के साथ शामिल हो गए। तो मेरी बहन दुल्हन है, तो आप सबको मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। और अगर मैं पर चश्मा ही उतार लूं तो? क्या बदतमीजी है समीर भाई। पापा हम भी तो देखें कि इस चश्मे में कितना क्लियर नजर आता है। मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा? आप चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की मंगनी धुंधली देखूं? ऐसा हो सकता है कि हम चाहें कि आपकी आंखों में धुंधला हो गया आपका मजाक? आ जाओ प्लीज, देखते हैं। ये क्या बात, हम दोनों को डिफरेंट सोफा पे बिठा दिया, ये कोई पार्लियामेंट का सेशन थोड़ी। लगता है जब से आप बाहर से पढ़ के आए ना, हमारे घर के सारी रिवायतें भूल गए। माही ये सब तुम्हारी चाल है। देखो मैं तो तुम्हें अपनी इतनी अच्छी दोस्त समझता हूँ, अपनी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह। जी मैं भी बिल्कुल ऐसे ही समझती थी, लेकिन जिस वक्त आपने मेरा चश्मा उतारा ना, उस वक्त हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। और फुपो आप इन्हें ये भी बता दें कि आप ही को अंगूठी आप बनाएंगी और इनको पापा। क्या? Are you serious? भाई हमारे यहाँ तो रस्म ऐसी हो जाती है, माँ बाप अंगूठी पहना देते हैं। मामू आप मेरे बारे में भी तो सोचे ना, मंगनी मेरी हो रही है। मम्मी आप सुन रही हैं कि मामू क्या कह रहे हैं? आप प्लीज अपने भाई को समझाएं। मेरे ख्याल से माही बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, शरारत खत्म। ठीक है पापा, लेकिन आप इनसे कह दें कि मेरे चश्मे के साथ आइंदा मजाक करने की जरूरत नहीं है। यानी आप दोनों मिलकर मुझे Yes, बेवकूफ बना रहे। मैं अपनी समझ के पास में जा रहा हूँ।
वाओ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। कहाँ जा रही हैं? फिल्म का प्लान है और उसके बाद बस कुछ शॉपिंग। फिल्म? कौन सी फिल्म? कितना स्टूपिड सवाल किया है ना मैंने। अब जाहिर है समीर भाई आपको टर्मिनेटर 2 थोड़ी दिखाएंगे, कोई रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं ना। डेजी के साथ जा रही हूँ मैं। डेजी के साथ जा रही है? लेकिन क्यों, अभी तो आपकी एंगेजमेंट हुई है, समीर भाई के साथ जाए ना। मंगनी होने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ दूँ। मैं ये तो नहीं कह रही आपसे, लेकिन जो भी सुनेगा यही सोचेगा ना। किसी को इस बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट समीर भाई का तो सोचें, कितना हर्ट होंगे वो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरी मंगनी हो गई है तो अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दूं मैं, बस इस अंगूठी को देखूं और खुश होती रहूं? क्यों बदतमीजी कर रही हैं आप? बदतमीजी नहीं कर रही मैं, जब मैं घर से बाहर जा रही हूं तो मुझे यूं टोका मत करो तुम। माही ठीक कह रही है समन। और बाय द वे, तुमने जो लिबास पहन रखा है ये मुनासिब नहीं। ठीक है कि समीर मुल्क से बाहर रहा है, लेकिन जहां तक आपा का ताल्लुक है मुझे पता है कि उन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है। तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोशिश करना कि इस हुलिये में कम से कम उनके सामने मत आना। ऐसी माही की बच्ची ने मुझे टोक दिया, और पापा वो तो जैसे पहले से ही मौके की तलाश में थे। उन दोनों का क्या कसूर है? तुमने मंगनी करके झमेला पाल लिया तो और क्या करती? वो सब तो शादी पे जोर दे रहे थे, इतनी मुश्किल से मैंने एंगेजमेंट पे रोका है। दरअसल पापा की वही रवायती सोच है, बिन माँ की बच्चियाँ मेरी नजरों के सामने रुखसत हो जाए। ओह गॉड, पापा को ये नहीं पता उनकी लाडली के कितने ऊंचे ख्वाब थे। थे क्या मतलब है डेजी? हैं, अभी भी हैं। यानी मॉडलिंग की दुनिया में भी तहलका मचा देने का इरादा कायम है? हाँ, इसमें कोई शक? तुम्हें शायद अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी नजर नहीं आ रही समन। ये अंगूठी? हाँ, मॉडलिंग के वक्त उतार दूंगी। अगर समीर को इसके बारे में पता चल गया तो? नंबर एक, जो मैं ठान लूं वो मैं करके रहती हूँ। नंबर दो, समीर को मेरी खुशी में खुश होना आता है, वैसे भी उसे कौन बताएगा। वैसे बहुत लकी हो जो ऐसा चाहने वाला शख्स मिला है तुम। हाँ। अच्छा तो बताओ, करूँ जमाल को फोन, पूछो पोर्टफोलियो के कब आना है? हाँ जल्दी करो। समन। जी पापा। तुम्हारा इंतजार कर करके पप्पो वापस चलेगी, और तुम अब घर वापस लौट रही हो। सेल भी ऑफ था तुम्हारा, क्यों? वो पापा बैटरी डेड हो गई थी। एनीवे, तुम अपने तौर तरीके चेंज करो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। और ये दोस्तों से मिलने की भी लिमिट्स होती है। पापा अब यूं घर पे बैठ के बोर होने से तो बेहतर है कि फ्रेंड्स के साथ जाऊं और कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर लूं। घर में कैसी बोरियत, ये माही भी तो है, बहन है तुम्हारी, इसी से कुछ सीखो। देखो कितनी डिसेंट और डिफरेंट है। डिफरेंट? डेफिनेटली डिसेंट। ओके, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। घरदारी सीखो, पप्पो के घर जाओगी तो सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। ओके? उफ, पापा तो कोई 50s के वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले अब्बा नहीं होते, वैसी धमकियां देके चले गए। ठीक है।
ठीक कह रहे हैं पापा, शादी के बाद घर आपको ही संभालना है। ये पुराने जमाने वाली बातें मत किया करो, आजकल की औरत इस तरह नहीं सोचती। आप ही जमाना कितना भी बदल जाए ना, औरत नहीं बदलती। तुम ना अपने कद से बड़ी और अपने से बड़ी बातें मत किया करो, और आप अपने से छोटी बातें मत किया करें। आप जानती हैं कि पापा कितने शर्मिंदा हो रहे थे पप्पो के सामने? नहीं, आपको उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तुम ही कुछ ख्याल कर लो मेरा, बाहर से आई हूँ, थकी हुई हूँ, आते साथ पापा ने मेरी क्लास कर लिया, बस तुम भी शुरू हो जाओ। समन, मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि किसी दिन मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम मुझे कहो कि मैं आपको ही याद कर रही थी। जो काम मैं करती नहीं हूं तो फिर मैं बोलूं क्यों? समन, मुझे तो लगता है कि ये मोहब्बत की जो ताली है ये सिर्फ मेरे हाथ से ही बजाई जा रही है। अगर ये ताली एक हाथ से बज रही होती ना तो बात फिर मंगनी तक ना पहुंचती समीर साहब। सो आप ये कहना चाह रही हैं कि आग दोनों तरफ बराबर लगी? मैंने तो जो कहना था कह दिया, अब इसका मतलब, इसका मायने आप खुद ढूंढ लें। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, फिर ढूंढते हैं ना मतलब दोनों मिलके। ओके। हाँ हो गया सोनू, तुम्हें अरे तुम यहाँ क्यों बैठे? और ये कौन है? ये सोनू है। क्या हुआ इसको? ना खेल रही है ना कुछ खा रही है, नजर लग गई मेरी सोनू को। तुम ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इज नॉट फीलिंग वेल। आप मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के? मैं चले? Let's go. लेकिन इसकी बिल्ली का चेकअप ना करवा ले पहले। किसको? इस गंदी बिल्ली को? आप ही सोनू को गंदी बिल्ली कहने की कोई जरूरत नहीं है। और आप ही जाएं, मैं खुद चली जाऊं। अरे what's wrong with you? दिखा देते हैं ना उसकी बिल्ली को पहले। हमारे जाओ जाकर तैयार। रेडी हूँ मैं। तुम रेडी? यस, रेडी होती हूँ। वही बाल, वही चश्मा। अच्छा चलो, गिव इट टू मी, आई विल टेक इट। आ जाओ, लेट्स गो। वैसे तुम्हें अपनी बहन के साथ इतना बिहेव नहीं करना चाहिए था, बुरा लगता है? कोई बुरा नहीं लगता। हुलिया देखा तुमने उसका? तो क्या हो गया यार, छोटी है वो अभी, तुम्हें उसे ग्रूम करना चाहिए। I'm sorry, लेकिन मैंने किसी की इसलाह का ठेका नहीं लिया हुआ। वैसे भी बंदे को खुद सोचना चाहिए, अपने आसपास के माहौल को देख के कुछ सीखता है, लेकिन नहीं, उसे तो शौक ही नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ उसको अपने साथ रखा करो, ताकि थोड़ा वो भी दुनिया के बारे में सीखे। हम यहाँ पे माही को डिस्कस करने आए, पहले ही उसकी गंदी बिल्ली की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो गया, और अब तुम? इस वक्त तो जंगली बिल्ली मुझे तुम लग रही। तुम मुझ पे तनकीद कर रहे हो? अरे यार मजाक कर रहा था, क्या हो गया? मेरी इतनी जुरत कहाँ? अच्छा सॉरी, अपना सैंडविच खाओ। वैसे मेरी पिक्चर्स भी बहुत अमेजिंग आई हैं, लेकिन तुमने तो समन कयामत मचा दी, कयामत। वेल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ कि अगला मरहला क्या होगा? बस आप प्रोजेक्ट्स के ढेर लग जाएंगे,
लेकिन हमने बहुत सोच समझ कर साइन करना है। और जमाल बता रहा था कि उसके पास कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। तुम नॉक करके नहीं अंदर आ सकती थी? तुम मैनेज नहीं है क्या? मैंने दरवाजा बजाया था जी। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, जाओ बाहर। चलो बिल्कुल फ्रेश चेहरा है सर, एक बार स्क्रीन पे आ गया तो धड़ाधड़ बिकेगा। जिस प्रोडक्ट के लिए भी साइन किया धूम मच जाएगी। नई लड़की है सर, इतनी डिमांड भी नहीं करेगी भी तो लॉन्च होने के लिए। बस एक और लिस्ट। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। हरकत मतलब? एक पोर्टफोलियो ही तो बनवाया, क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ये है सब कि कमर्शियल्स मिलने की उम्मीद में तुम्हारी पिक्चर्स जगह जगह बट रही। तो क्या हुआ? पापा मुझे शौक था, मैंने सोचा चलो एक एक्सपीरियंस कर लेती हूँ मैं। सपना, अगर तुम्हें शौक था तो तुम मुझसे कह देती, मैं किसी भी अच्छी एड एजेंसी से बात करके तुम्हें कोई बड़ी कैंपेन दिला देता। डू यू मीन रियलाइज कि वो प्रमोटर तुम्हारी तस्वीरें लेकर क्या क्या बकवास कर रहा था? समीर, यू आर ओवर रिएक्टिंग। खामोश। समन, अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलो। आप ही आपने अच्छा नहीं किया, तुम चुप करो। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जिस प्रोडक्ट को मैं तुम्हारे नाम से लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए तुम्हारा नाम इतना सामने आएगा। बस करो समीर, क्या हो गया ऐसा? क्या कयामत आ गई है कोई? बहुत बड़ा जुर्म कर दिया मैंने, कोई कत्ल कर दिया मैंने। कत्ल जैसा ही किया तुमने, एतमाद का खून कर दिया तुमने। तो ठीक है, किस बात का इंतजार है? दीजिए मुझे सजा, जो सजा है आपके दिल में दीजिए। सजा? एक जवान सरकश बेटी के सामने बूढ़े हाथों की सजा की क्या औकात हो सकती है? अब इसका फैसला समीर के हाथों में। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी का जुर्म काबिले माफी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो। जिनसे मोहब्बत की जाए उनके जुर्म भी माफ कर दिए जाते, इसने तो फिर बेवकूफी की। मगर ये इस तरह की बेवकूफियां ना करे, इसलिए मैंने एक फैसला किया। तो फैसला? कैसा फैसला बेटा? सुना दो फैसला। जो शादी आज से 6 महीने बाद होनी थी वो अब इसी महीने होगी। कितना महान इंसान है ना समीर, और ये पापा को देखो, जो फैसला करेगा समीर करेगा। अरे ये होता कौन है कोई फैसला करने वाला? मंगेतर है वो, आपकी मोहब्बत करते हैं आपसे। मंगेतर है तो मंगेतर बन के रहे, खुदा ना बने वो। एक शौक पूरा करना चाहा था मैंने। और आप ही आपके जो भी शौक है ना, अब अपनी शादी के बाद ही पूरे कीजिएगा। मैं ऐसी किसी शादी के लिए रजामंद नहीं होंगी जैसे किसी बकरी को शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। जाओ बता दो सबको। समन, तुम बचपन से ही एक जिद्दी और खुदगर्ज लड़की रही हो, जिद में आके खुद को नुकसान पहुंचाने वाली। लेकिन फकौर सिंह देखो, अब ये तुम्हारा बचपना नहीं है, इसलिए फजूल की मिसालें जो है ना अपने पास ही रखो। पापा आप मेरे शौक से जिद लगा रहे हैं। देखो बेटा, तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि समीर जैसा आला ज़र्फ लड़का तुम्हें मिला। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी फजूल की बात ना सुनूं। जो शादी कल होनी थी वो आज हो जाए तो बेहतर है, और वैसे भी
मैं तुम्हारी हट धर्मियों और नहीं सह सकता। पापा बस इनफ, फैसला हो चुका है ओके। शाम में तुम्हारी फुप्पो आ रही है, एंड प्लीज मेक श्योर कि उनके सामने तुम कोई ऐसी बात ना करना कि उन्हें शक हो जाए। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे कारनामे का इल्म समीर ने उन्हें नहीं होने दिया। प्रोफेशन चाहे कोई भी और भी बुरा नहीं होता, लेकिन आपका तरीका भी तो ठीक नहीं था। चुप करके मेरे बाल बनाओ, मुझे फलसफा मत सिखाओ। फलसफा नहीं सिखा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, समीर भाई से मोहब्बत तो करती है ना? मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जो शख्स मेरी राह में रुकावट बने उसकी मोहब्बत को मैं मानती नहीं। अगर आप उन्हें एक दफा भी बताती ना कि आपका शौक है, तो वो कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालते इस बात का। फिलहाल तो वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं दुल्हा बनने का। तो आप भी तो दुल्हन बनेंगी ना? ना मत हंसा करो, जहर लगती हो तुम। और आप इतने गुस्से में प्यारी लग रही हैं। और ये दुपट्टा, दुपट्टा पहन के तो और प्यारी। क्या हरकतें करती रहती हो। वैसे पापा को क्या लगता है, ये दो चार फिल्मी डायलॉग मार के मुझे प्रेशराइज कर लेंगे? क्या चाहती हैं अब आप? फिलहाल तो समीर के बच्चे का जीना हराम करते हैं, वरना मेरा नाम भी समन नहीं। लेकिन समीर भाई के बच्चे आपके बच्चे भी तो होंगे, और मेरा ख्याल नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ ही कर सकती हैं। कमरे से बाहर चलो। अरे चलो निकलो, चमकी कहेंगी। अच्छा ना जा रही हूँ। जरा से बुखार में ऐसे कौन दिल छोड़ता है। वैसे भी अब चलाओ का ही वक्त है। ऐसी कौन सी उम्र हो गई आपकी? पापा को तो शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं तोड़ दिया है। अरे कुछ नहीं होता ब्लड प्रेशर और शुगर से। मैं तो समीर के वलीमे पर 7 तरह के मीठे बनवाऊंगी, किसी को परहेज करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ही सुमन का घर बस जाए। उसके बाद ये भी है माही, इसकी भी मुझे बहुत फिक्र है, बहुत ही अच्छी बच्ची। मामू जान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माही हम सबकी जिम्मेदारी। कुछ भी नहीं होगा बेटा तुम्हारे पापा को, बस जरा सी कम हिम्मती का मजारा कर रहे हैं। और तुम तो वैसे भी मेरी गुड़िया हो ना। बस वो मैं इसी महीने के अंदर अंदर ना समन की रुखसती कर देना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल इधर आओ समन मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस लिबास में कितनी खूबसूरत और मुअद्दब लग रही हो। अच्छी लड़कियां सर झुकाकर खामोश खामोश अच्छी लगती है। बाबा ने बीबी का नाम लेकर मना किया हुआ है जाने। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पागल हो तुम? जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूँ? रोज इस घर में आती हूँ मैं। बहादुर तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेजी को अंदर आने से मना करने की? बाबा ने बीबी का नाम लेकर मना किया हुआ है। चलो डेजी अंदर आओ। यार मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास तुम्हारी कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। देखो तुम फोन चेक कर लो मेरा। नहीं तुम मेरा फोन चेक करो, देखो जरा। तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना देख रही तो मैं घर तक आई हूँ। उफ समन इतनी बड़ी ऑफर है तुम सोच भी नहीं सकती। और मजे की बात सुनो, हम दोनों को साथ में मिल रही है, साथ होंगे कितना मजा आएगा। समन तुम खुश नहीं हो? कैसे खुश हूँ,
मैं तो ये ऑफर कबूल ही नहीं कर सकती। क्या मतलब? मेरी शादी हो रही है। शादी? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो समन? ऐसे चांस तो किस्मत से मिलते हैं यार। सोचो कि मेरी तो किस्मत ही खराब। किस्मत इंसान खुद बनाता है समन। मेरी किस्मत मेरे हाथ में कहाँ है? पापा, समीर। तो तुम हाथ पे हाथ धर के बैठी रहोगी क्या? छीन लो यार, और शादी तो हो ही जाएगी ना। और देखो, तुम्हारी कॉल अभी भी नहीं लग रही। समन, किसी ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया यार। ब्लॉक कर दिया? देखो। अच्छा, तो ये माही की हरकत है। उसने मुझसे बहाना बना के मेरा फोन लिया था और तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। इस तो मैं देखती हूँ। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपने डेजी का घर में दाखला मना कर दिया। देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। Here I present your निकाह का दुपट्टा। उफ, बहुत प्यारा है ये। जरा मुझे पहन के दिखाएं। तो इसे मेरे ऊपर से निकाह का दुपट्टा? क्या बदतमीजी है ये? ऐसे नहीं फेंकते निकाह का दुपट्टा, बदशगुनी होती है। बदशगुनी की बच्ची, तुमने डेजी का नंबर मेरे फोन पे ब्लॉक किया है ना? समन, तुम अब ज्यादती कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा बाप, हम सब तुम्हारे वेल विशर्स, और वो लड़की तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, समझी तुम? आप लोग सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी? किस बात की दुश्मनी? समीर से शादी तुम्हारी पसंदीदी से हो रही है ना? तो कर लेती ना शादी, अब इसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है पापा? व्हाट? जबरदस्ती? आज तक तो मैंने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन अब करूंगा। मेक श्योर कि वो लड़की आइंदा इस घर में नजर ना आए। ओके? वो लड़की मेरी दोस्त है और आप सबसे अच्छी है, क्योंकि एटलीस्ट वो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम तो करती है ना। वो समन, आप लोग सब मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं। शट अप, गेट लॉस्ट, ले जाओ इसे यहां से। हाथ मत लगाओ तुम मुझे। Go! समन, फिल्म सोचो, फिल्म। कहाँ तो कमर्शियल, फिर ड्रामा। और तुम्हें पता है, फिल्म करने में तो सालों लग जाते हैं, और तुम्हें तो पहले ही फिल्म मिल रही है। प्रोड्यूसर तो पिक्चर्स देखते ही पागल हो गया, एक मुलाकात के लिए तरस रहा है तुमसे। मैंने बताया शादी हो रही है तो उछल गया, कहने लगा इतनी प्यारी लड़की अपना फ्यूचर स्पॉइल कैसे कर सकती है। और वैसे भी 6 महीने की तो बात है, और तुम्हारा वो मंगेतर, वो तो तुम्हारे इश्क में पागल है। ये फिल्म कर लो, उसके बाद उससे माफी तलाफी कर लेना। और शादी के बाद औरत की जिंदगी क्या होती है? बस बच्चे पैदा करो और शाम को सज सवर के बैठ जाओ मियाँ जी को वेलकम करने के लिए। ये भी कोई जीना है क्या? तुम बचपन से ही अरे भाई बेटा, बात सुनो, वो समन को लेकर आओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। अभी लाई, जल्दी जाओ। शाबाश भाई, निकाह खुआ इंतजार कर रहे हैं, आप अभी तक यहीं खड़े हुए हैं। मैंने माही को भेजा है, लेकर आ रही हूँ। लीजिए, वो आ गई। हाँ बेटा। अरे बेटा, रो क्यों रही हो तुम? बेटा, ये तो खुशी का मौका है, शादियां तो सबकी होनी होती, और हमारी बेटी समन जो है वो तो बहुत नसीबों वाली है, उसने बाप की बात का मान रखा। और ऐसे मौकों पे बहनों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और तुम भी ना माही, वो कौन सा कोई गैर जगह जा रही है। शाबाश, अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो और मैं खुद समन के पास जाती हूँ। बिन माँ की बच्चियां हैं ना, दिल छोटा कर रही हैं।
आओ आओ माही। फूफो हो गया और मुझे किसी ने बताना मुनासिब नहीं समझा। और समीर तुम्हें धोखा देने के लिए माई मिली थी, मैं शुरू से उसकी खुदसरी से घबराती थी भाई, और आप हमेशा मुझे यह कहकर टालते आए कि बिन मां की बच्ची है, ठीक हो जाएगी। अब भुगते हैं, मगर भुगतेंगे आप कहां, भुगतूंगी तो मैं। आपने तो बीमारी की वजह से बहुत कम लोगों को बुलाया है, मैंने तो कल इतनी बड़ी वलीमे की दावत रखी है, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। फूफो प्लीज ऐसा मत कहें, पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। और मेरी जो इज्जत खराब हो रही है और मेरे बेटे की जो जिंदगी खराब हो रही है, उसका क्या, मैं किसके आगे फरियाद करूं। इतनी आसानी से तो मैं उसे अपनी जिंदगी नहीं तबाह करने दूंगा। अभी लेकर आता हूं। उसे बीवी बनाओगे जबरदस्ती अपनी? वो बीवी बना के रखने के काबिल है जो इज्जत का जनाजा निकाल कर चली गई सबकी? खुदा के लिए हाथ तो मैं आपके आगे जोड़ती हूँ भाई, आप मुझे कोई हल बता दो। बाहर लोग निकाह के छुआरों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूं? मेरे शहजादे बेटे के मुंह पे कालक थोप कर चली गई क्यों? प्लीज फूफो आप रोए तो मत। समीर निकाह खां को बुला। तुम्हारा निकाह आज की तारीख में ही होगा, बस दुल्हन माही होगी। पप्पू व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी, क्या हो क्या गया आपको, बहनों की तरह है वो मेरे। यही होगा समीरा, तुमने मुझसे अपनी मां से कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपाई हैं, मॉडलिंग फिल्म और न जाने क्या क्या। अगर तुम मुझे वक्त पे बता देते ना तो नौबत बारात लाने तक कम से कम ना। आप कुछ नहीं कहेंगे मुनव्वर भाई, मुझे हमदर्दी नहीं, आपका सिर्फ फैसला चाहिए। और बस अब आप माही को दुल्हन बनाने की तैयारी करें। और माही तुम बुरा हुआ है पुप्पो, जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। ये सब तो बहुत अच्छा हो गया है माही, मुझे बहुत डर लग रहा है समीर भाई। अब भाई नहीं कहना है, मैंने समीर को भी समझा दिया है और तुम्हें भी कह रही हूँ, निकाह के बाद तुम लोगों का रिश्ता बदल गया है। पुरानी सारी बातें भूल जाओ माही और नए सिरे से जिंदगी का आगाज करो। लेकिन समीर, मेरा मतलब है
वो बहुत गुस्से में वो, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस जैसे मैं समझाती हूँ वैसे ही करती चली जाओ। खड़ी क्यों हो? बैठो। बैठे क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, काफी रात हो गई, जाओ। जी सो जाओ माँ। कहाँ? बैठ और कहाँ? और आप? तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी? मुझे भी नहीं आएगी। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। खुदा के लिए रोना तो बंद करो। सुबह सुबह किधर जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो, आज तो तुम्हारा वलीमा है। हाँ, जैसे कल मेरी शादी। कल की बात छोड़ो, इधर आओ, हम लोगों के साथ बैठो, नाश्ता करो। अभी तक माही ने भी तुम्हारी वजह से शुरू नहीं किया। मुझे भूख नहीं। नहीं, मैं कर लूंगी। बहरहाल तुम कहीं नहीं जा रहे हो, शादी का घर है, 100 काम निकलते हैं, लोग क्या कहेंगे समीर? लोग आएंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर भी माही क्या सोचेगी? माही तुम क्या सोचो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, आप जाएं। उसे सी ऑफ तो करके आओ दरवाजे तक। इसकी कोई जरूरत नहीं।
साहब बहुत खुशनसीब हैं आप ही, आपको समीर भाई जैसा इंसान मिला है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद आ गया समीर, हर वक्त बस उसी के गुनगाती हो। भाई वो बहुत अच्छे हैं, मैं तो आपके हवाले से तारीफ कर रही थी उनकी। आप बहुत अच्छे हैं समीर, समीर मैं आपके काबिल नहीं हूं। नहीं जानती कि हमारे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। क्या बदतमीजी है ये? Are you okay? बदतमीजी नहीं है ये। अगर मरना ही है तो कोई और तरीका ढूंढ ले। एक काम करें, मुझे ना गोली मार दे ताकि मैं सुकून से मर जाऊं। इस धुएं से मरने से बेहतर तो वही है। Look, I'm really sorry. मैंने रियलाइज नहीं किया कि तुम यहाँ पे थी। मैं बाहर जाकर पी लेता। ये मुझे दें आप प्लीज। लुक, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बाहर जाकर पी लेता हूँ, अभी तुम्हें धुएं से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको सिगरेट नहीं दूंगी। मेरी सिगरेट्स? मैं सिगरेट्स नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप बाहर जाए, मैं नहीं दूंगी सिगरेट्स। सिगरेट लेने के लिए आया ना? मैं तकिया रखने के लिए आया था। झूठ बोल रहे हैं आप। अब अपनी सिगरेट और लाइटर लेने के लिए आए। माही, मेरे पास एक सिगरेट या लाइटर नहीं है। मेरी बात नहीं मानेंगे ना आप? सो जाओ तुम। लेकिन आप सिगरेट पियेंगे? माही, ये बात हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? Fine. Can you sleep? मेरे सोने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सोना होगा तो मैं खुद सो जाऊंगी। ये भी आपके सिगरेट। समीर, सोग भी 3 दिन का होता है, कब तक सोग मनाओगे तुम? सोग मरने वालों का होता है अम्मी, जिंदा लाशों का नहीं। अल्लाह ना करे, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ तुम्हारे नाम का झूमर माथे पे सजा कर। अगर वो ये सब हरकतें करती ना तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। शुक्र करो माही जैसी बेमिसाल लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। पता नहीं अम्मी, अब शुक्र मुझे करना चाहिए या आपको? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अपनी माँ पर? उस पर नहीं जो शादी वाले दिन ही घर से गायब हो गई। अम्मी, तो आपने मेरी बात सुनी भी कहा। मैं मानता हूं कि समन बहुत जिद्दी लड़की है, लेकिन वो मेरी बात मान लेती। आप लोगों ने तो मुझे मौका तक नहीं दिया माही से मेरी शादी करके, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। समीर, अम्मी प्लीज, मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। अभी तो मुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा, तो मैं माही का क्या ख्याल रखूं? कैसे रखूं उसका? ज्यादती तो फिर भी माही के साथ ही हुई ना।
मगर कितनी साबिर बच्ची है वो, शिकायत का एक लफ्ज मुंह पर नहीं लेकर आती, और तुम मर्द होकर। बहरहाल अब वो तुम्हारी बीवी है और तुमने उसके सारे हकूक अदा कर दिए। आओ आओ माही, आओ, तैयार हो गई? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो मैं समीर से यही कह रही थी कि अब तुम दोनों ने एक दूसरे के दिल में जगह बनानी है। और हाँ, ये समीर के ददियाल की शादी है, तुमने सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिलना है, ठीक है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम पर, और ये चूड़ियां, ये मेरी मम्मी के निशानी है पप्पो, पापा ने मेरे लिए संभाल के रखे थे, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम लोगों को देर हो रही है, अब जल्दी से जाओ, और समीर प्लीज मेरी तरफ से माजरत कर लेना सबसे। क्या कर रहे भाई आप? भाई वाले चल, क्या कर रहे हैं? मेरी बात आवाज नहीं, समीर सब कह रहे हैं आप इनको, जल्दी से ये ले फोन, वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल, वॉलेट ये ले, चले समीर यहाँ से, चल बड़े निकाल, आप कर रहे छोड़ नहीं, मेरी अम्मी की निशानी है, हम तेरे कड़े अम्मी से ज्यादा सवाल करेंगे। अच्छा मैं दे रही हूँ आप इनको, कुछ मत कहिएगा, मैं दे रही हूँ आपको, ये ले, ये ले, आप मत निकाल, आप चले आ गया समीर, क्या हो गया आपको समीर? समीर, समीर, समीर। माही, माही, कुछ नहीं हुआ समीर को बेटा, देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। माही सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मियाँ कौन लाया पप्पो? समीर लेके आया बेटा, तुम तो बेहोश हो गई थी। पापा इनको बहुत चोट लगी थी, उन लोगों ने तो। अब सब ठीक है मेरी जान, ऐसी सिचुएशन में बहस नहीं करते, सब कुछ दे देते हैं, मेरे बच्चों की जान का सदका गया, जेवर का क्या है, दोबारा बन जाएगा। वो माही की मम्मी की आखिरी निशानी भी ले गए, कड़े तक ले गए। कोई बात नहीं समीर, वाकई मेरे लिए बहुत अहम थे, लेकिन आपकी जान से बढ़कर नहीं थे वो। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने करम किया, तुम आराम करो, हम यहीं पे हैं, ठीक है? I'm sorry. जल्दी हिम्मत नहीं आ रही मुझे, अब खुदा के लिए दोबारा रोना शुरू ना करते। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? अरे ऐसे कह रहे, आओ। क्या हो गया, इतनी सी चोट पर इतना शोर मचा रहे हैं आप? चोट चोट होती है, छोटी या बड़ी कुछ नहीं होता, लेकिन ये चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक होगी जी? मुझे तो पता ही नहीं चला, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है आपकी चोट, एक्टिंग कर रहे थे ना आप? कैसी थी एक्टिंग? बहुत बुरी थी, अब मैं जाके अभी पप्पो को बताती हूँ कि आप बिला वजह मुझसे हमदर्दियाँ ले रहे हैं। दर्दी नहीं, कभी कभार इंसान अंदर के शोर को मारने के लिए बाहर शोर बर्पा कर देता।
माही। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी माँ के कंगन का बहुत दुख है। कोई बात नहीं समीर, उन कड़ों के लिए मैं आपको नहीं खो सकती थी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। कुछ नहीं होता, बल्कि अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये आप मेरे लिए लेकर आए। बाय द वे, कल तुम्हारा फोन भी आ जाएगा। थैंक यू समीर। ने सामन को पसंद किया था और ये बात मैंने खुद से भी छुपाई कि आप मेरे आइडियल के किस कदर नजदीक। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको पाने वाली हूँ। बहुत जल्द, हमेशा के लिए। मैं तो बस अपना शौक पूरा करना चाहता था पापा। मैंने शादी से इनकार नहीं किया था और आपने पकड़ के माही को समीर की दुल्हन बना दिया। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। तुम्हारे लिए तो इस घर के दरवाजे उसी रोज बंद हो गए थे जिस दिन तुमने बड़ी खामोशी से इस घर की दहलीज को पार किया था। नहीं पापा, आप यूं बात को मत पलटे। सच तो ये है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, ना आपने ना पप्पो ने। सबको हमेशा माही अच्छी लगती थी, सब माही के और मेरा कोई नहीं। तुम क्या समझती हो,
तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। सच्चाई से तुम भी वाकिफ हो। चली जाओ यहां से, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए खड़े होने की गुंजाइश नहीं। पापा, आप मुझे इस तरह से डिसोन नहीं कर सकते। इस घर पे हर चीज पे मेरा हक है। लगता है अपना शौक पूरा करने की खातिर तुमने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया, वरना उसमें छपा आपनामा जरूर पढ़ लेती। आपनामा? पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों, तुम इस घर की दहलीज को पार कर सकती हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। सोचो वो कितना कड़ा वक्त होगा जब एक बाप को अपनी बेटी के नाम आकनामा लिखना पड़ा होगा। नहीं पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते? माई भाई, देखो पापा क्या कह रहे हैं। मैं तो बस अपना शौक पूरा करना चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। तुम पापा को समझाओ ना, ये इस तरह मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। भाई मेरी बहन, तुम तो अच्छी बहन हो ना, मेरी प्यारी बहन हो तुम। मैं बुरी हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। का नाश्ता वहीं भिजवा। समन कहाँ है? समन एनेक्सी। हमारी एनेक्सी वहां क्या कर रही है? क्योंकि मेहमान एनेक्सी में ही ठहरा जाते समीर। मैं समन मेहमान कब से हो गई? आप नाश्ता करें, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। मैं पहले समन को ले आऊं। ये मुस्कुराने की बात नहीं है माँ। जिसे तुम अपनी कामयाबी समझ रही हो, ये नाकामी के दरवाजे खोलने वाली बात। क्या हो गया पप्पू? वो बहन है मेरी, और अब आप जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। खुदा तुम्हारा यकीन बरकरार रखे, लेकिन एक बात याद रखो, यकीन जब टूटता है ना तो इंसान भी टूट जाता है, कभी ना जोड़ने के लिए। तुमने देखा नहीं किस तरीके से समीर भागता हुआ उसे लेने के लिए? मुझे आप ही पर भी और समीर पर भी पूरा यकीन है। फिर तुम सही से जानती नहीं हो समन को माही। आप तो जानती है ना समीर को। देखो तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, और मेरे साथ क्या हुआ? धोखा खा गई मैं, सब झूठ था। मेरे किए की सजा मिल गई है, लेकिन मैं तो काबिले माफी भी नहीं हूं। समन प्लीज ऐसे मत कहो, इट हर्ट्स मी। भूल जाओ सब कुछ। पापा ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था। वो तो माही ना होती तो मैं कहां जाती? क्या मतलब कहां जाती? तुम्हें मेरे होते हुए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चलो। किधर? घर में जाओ, जाकर तैयार। हाँ ना, हमें समान माफ करते
हालांकि मेरा जुर्म काबिले माफी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी प्लीज, मैं उठ जाती हूँ क्योंकि बोले बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। नाश्ता तो कर लें। कर चुकी और तुम निभाओ मेहमानदारी। और माही, ऊंट को सिर्फ सर घुसाने की इजाजत मिली, बाकी जगह वो खुद ही बना लेता, जरा सोचना। बैठो सर। नाश्ता करो। तुम क्या बना रही हो? सैंडविचेस इस वक्त? क्योंकि समीर शाम की चाय के साथ सैंडविचेस खाते हैं। तुमने इस घर को, हर चीज को, हुक्कों को, समीर को काफी अच्छे से संभाल लिया। अब ये मेरा घर है, मुझे ही संभालना था ना। एक बात तो बताओ, क्या तुम फौरन ही शादी के लिए राजी हो गई थी? आप ही उस तक पापा की इज्जत बचाने के लिए, इस शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। यानी कि तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि तुम पहले से राजी थी? मैंने ये कब कहा आपसे? तुम्हें हमेशा से यूं हाउसवाइफ बनने का बहुत शौक था, और मुझे देखो, मैं डेजी की बात में आऊं। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आया ना, तो उसे भूला नहीं कहते। और वैसे भी अभी पापा थोड़े गुस्से में हैं। मुझे उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं। आगे और सैंडविचेस भी रेडी नहीं हुए। चले पहले मैं चेंज कर लूं। हेलो टेलीमॉन कॉर्पोरेशन, वेयर द वर्ल्ड शॉप्स। अगर आप हेलो वो कुछ कहना चाहते हैं? जी थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको। किस बात? आपने मेरी बात रखी, मेरा मान रख लिया, और आप ही को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। कर दिया शुक्रिया था। लेकिन पापा तो अभी तक नाराज है ना। माही तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस एक काम करो कि अपने छोटे से ज़हन पर असर ना दे। आउच, इतनी जोर से मारते क्या? I'm so sorry, मैंने जानबूझकर। What sorry? अब तो लग गया, अपने जान के मारा है। अब क्या रोगी? जरूर रोगी, लेकिन आपने जो क्यूट सी शक्ल बनाई है ना, अब नहीं रोगी। अब तुमने मुझे बेवकूफ भी बना दिया। बेवकूफ तो नहीं बनाया, क्या छोड़े रिमोट। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले जूस। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत ख्याल रखती है ये मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले आप भी बैठे, मैं आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। थैंक्स। ये माही की कुर्सी है समन, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। पप्पू जगह से क्या होता है, बैठने दे, आप बैठे। हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है, तुम बैठो और नाश्ता करो। समन ये जूस।
माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, प्यारी प्यारी। चल हाँ तुम किधर जा रही हो? आप भी हमारे साथ जा रही है। तुम्हारे साथ? तुम शायद भूल रही हो, मिस्टर एंड मिसेज इनवाइटेड है। कुछ नहीं होता हमें, जाने दें उसको। कुछ कैसे नहीं होता, मैनर्स भी किसी चीज का नाम है कि नहीं? और ये बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए समन, मियां बीवी के बीच में तुम तीसरी बनके क्यों जा रही हो? फुप्पो कुछ नहीं होता, आप क्यों बेला वजह आपे को डांट रही है? चुप रहो तुम। और ये तुमने माही का सूट पहना हुआ है ना? जी एक्चुअली डिनर किरण के पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं था इसलिए मैंने अपना दे दिया। कोई बात नहीं, हम तो पहले भी शेयर करते थे, है ना? क्यों सारे बाजार खत्म हो गए क्या? अपने कपड़े से देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम लोगों को बहुत देर हो रही है, जाओ तुम लोगों, जाओ, अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। कमारी बहन और शादीशुदा बहन की इस्तेमाल की चीजों में फर्क होता है, इस बात को तुम समझ लो तो अच्छा है। अब जाओ जाके कपड़े बदलो, कल बाजार से जाके नए कपड़े ले आना। मिस्टर एंड मिसेज इनवाइटेड। अब जाओ जाके कपड़े बदलो। ये माही की कुर्सी है, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। जगह बदलते हुए कौन सी देर लगती है? वो आपने कहा था कि शॉपिंग के लिए चली जाओ, बस फिर मैंने समीर को कॉल कर दी। हाँ अम्मी, वैसे मुझे कॉल की थी, मैंने कहा चलो ये भी कोई काम। तुम माही के साथ भी तो जा सकती थी। कमान पप्पो, पहली बात है कि शॉपिंग मुझे करनी थी और दूसरी बात है कि माही को कहाँ है कोई शॉपिंग सेंस, खामखा बंदे को पजल कर देती है। फिर समीर और मेरी चॉइस भी तो एक जैसी है। समीर मेरा बेटा है माही, मगर उससे पहले वो एक मर्द भी है और यही सच है। और तुम तो जानती हो कि उसे शुरू से समन पसंद थी और इसी बात का फायदा तो समन उठा रही है। पप्पो ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। खुद को बहलावा मत दो माही, अपने घर को बचा लो। कब तक इंतजार करती रहोगी कि समीर तुम्हारी वफा और सब्र देखकर तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा? ये पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। समीर ऐसे नहीं है पप्पो। मगर समन उसे ऐसा बनाकर छोड़ेगी। फिर मैं क्या करूं पप्पो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने मुनव्वर भाई से बात कर ली है और उन्हें पूरी सूरत हाल समझा कर कह दिया कि इसको अपने घर बुला लो। पापा मान गए? नहीं मान तो नहीं रहे थे वो, मगर जब मैंने कहा कि माही का घर बर्बाद हो जाएगा तो मान गए। जी पप्पो, बुलाया आपने मुझे। हाँ वो मैंने तुम्हें बताना था कि मुनव्वर राजी हो गया है, तुम अब अपने घर जा सकती हो। मुझे पापा के पास वापस नहीं जाना है, मुझे उनके पास कभी भी वापस नहीं जाना। पापा ने हमेशा मेरे साथ ज्यादतियां की। पापा के घर नहीं जाओगी तो कहाँ रहोगी? शुक्र करो कि इन सब हरकतों के बावजूद उसने तुम्हें माफ कर दिया। नहीं चाहिए मुझे उनकी माफी। समीर, समीर देखो पापा मुझे घर से जाने को कह रही हैं। मम्मी अगर वो नहीं जाना चाहती तो आप उसको क्यों फोर्स कर रही हैं?
समर, ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ पर जब तक चाहो रह सकती हो। थैंक यू। भाई जरा देखो मेरा फोन कब से बज रहा है। जाओ माही, वरना आवाजें दे देकर उसने कान खा लेने। जा रही हूँ। मैं जाती हूँ। तुम किधर जा रही हो? और तुम्हारा समीर के बेडरूम में क्या काम है? बैठो आराम से यहाँ। माही जाओ तुम। भाई जरा देखो मेरा फोन कब से बज रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। मिस्टर अहमद की कॉल आ रही है, बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं। ओह गॉड, एक काम करो, मैसेज करो इन्हें और कहो कि बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। पासवर्ड तो बता दे समीर। हाँ लिखो एस एम एन। Got it? S M N. समन? वो सिर्फ एक पासवर्ड है माही, जो होता ही बदलने के लिए, लेकिन बतला नहीं गया। मैं समझाऊंगी समीर। क्या समझाएंगे आप समीर को? कि समन का नाम हटा के माही का लिख दे? लगता है आपको कि ये समझाने वाली बात है? ये दिल की बात होती है, खुद समझने वाली। अस्सलाम वालेकुम पापा। माही, भाई सब ठीक तो है? अम्मी मामू ठीक है? सोनू मर गई। सोनू कौन? वो तुम्हारी बिल्ली, कैसे मर गई? कभी कभी मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं होता। हाँ ये तो बहुत गहरी बात करती। तो खैर तुम हाथ साफ करो, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैं एक काम करूंगा, तुम्हें नई बिल्ली ला दूंगा, तुम उसका नाम सोनू रख, तुम्हारा दिल बहल जाए। क्या लगता है आपको नाम बदल देने से वाकई दिल बहल जाता है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें उसकी जगह नई बिल्ली ला दूंगा। क्या मतलब है आपका? किसी की भी जगह लेने से आपको वही वैल्यू मिलती है? समझ ना सही तो माही सही, माही ना सही तो कोई और। मुझे पापा के घर छोड़ना है। फ्लाइट से लेट हो जाएंगे, आप तो जानती हैं इस टाइम पर कितना ट्रैफिक होता है। मैं गाड़ी में बैठ आ रही। मैं तुम्हें इस तरह के हालात में कभी तना छोड़ के ना जाती माही, मगर मौत कब मौका मुनासिब देखती है। समीर का डेलीगेशन आ रहा है, अगर ना आ रहा होता मैं तुम दोनों को लाजमी साथ लेकर जाती, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अपना
और समीर का बहुत ख्याल रखना है। वैसे माँ तो मैं अपने बेटे पर आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ, मगर एक मर्द कब आंखें फेर ले कोई कुछ नहीं बता सकता। खैर तुम फिक्र ना करो, 3 से 4 रोज की बात है, मैं जल्द ही स्वयं के बाद निकल के आने की कोशिश करूंगी। जी पप्पो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी माही, मगर तुमने भी कदम पीछे नहीं हटाने। जी पप्पो। अब चले, आप लेट हो रही हो। शीज़ है। चले? हाँ, तुम्हारे लेंसेस कहाँ हैं? एलर्जी हो रही थी इसलिए उतार दिया। तो हमें फिर डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए ना? अब अभी तो हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, इतनी भूख लग रही है माही, मैं तुम्हें कल खुद ले जाऊंगी। चले। माही तुम पीछे बैठो। वो उसकी आंखों में तकलीफ है, पीछे रिलैक्स बैठेगी। चलो किसी थाई रेस्टोरेंट चलते हैं, यू नो आई लव थाई फूड। नहीं आप ही, आपको पता है मुझे थाई फूड नहीं पसंद। चलो फिर ये फैसला हम लोग समीर पे छोड़ देते हैं। वैसे मूड तो मेरा भी थाई फूड का ही था। वाह, मैं तो बिना वोटिंग के ही जीत गई। जी आप जीत गई और मैं हार गई। अरे समीर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज डूड, कैसे? क्या हाल चाल? कैसे? मैं फिट, कल ही पहुंचा यार। मीट माय वाइफ किरण। अस्सलाम वालेकुम जी। भाभी आई है ना, तशरीफ रख दीजिए। गणेश जी। थैंक यू। तो जनाब ने शादी कर ली जिसके इश्क में गिरफ्तार थे, पता है? इन लड़कियां मरती थी लेकिन जनाब किसी को देखते तक नहीं थे। मुझे छोड़, इनसे मिल। ये है माही और समन। अरे भाभी बहुत खुशकिस्मत हैं आप, आपको इतना सच्चा आशिक जो मिल गया। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, ये बता के क्या मंगवाऊं? भाभी आप बताइए ना कि क्या क्या लेंगे आप? क्या मतलब भाई क्या मंगवाऊं? साले तूने शादी पे तो बुलाया नहीं, शादी का जुर्माना तो अलग, और जो तूने अपना इष्ट जो हासिल किया है ना उसका जुर्माना अलग। सब कुछ मंगवा ले। क्यों ना किरण, लड़कियां मरती थी भाई पे लेकिन भाई सिर्फ एक लड़की के पीछे। समन 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 समन। खैर और बता, कितने अरसे के लिए आया पाकिस्तान? बस कुछ देर के लिए आया हूँ, फिर उसके बाद वापस। रजिया जब समीर आए ना कबाब उसी वक्त फ्राई करना, मैं उनके कपड़े देख लूँ। काफी मसरूफ नजर आ रही है मिसेस माही समीर खान। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, समीर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो घर आ रहे थे, मैंने कहा लंच भी हमारे साथ करना है, बस आने ही वाले होंगे तो उनके कपड़े देख लेती हूँ। पता नहीं अब क्या पहनेंगे। समीर तुम्हारी हर बात मानता है, वैसे माही मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई, बहुत ज्यादा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूं। और समीर वो खुश है? तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश की है? ये सवाल आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम्हारा जवाब अधूरा था, तुमने कहा कि तुम खुश हो
हालांकि तुम्हें तो कहना चाहिए था कि हम खुश हैं। ये बात आपसे समीर ने कही है? हर बात जबान से कहने वाली नहीं होती। अरे कोई अंधा भी देख के बता दे कि तुम दोनों रेल की पटरियों की तरह साथ साथ नजर आते हो, लेकिन हो नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। मैं आपको इस मामले में बोलने की कोई इजाजत नहीं देती। तुम्हें लगता है कि मुझे इजाजत की जरूरत है? वो भी तुमसे? आप प्लीज जाएं यहां से। जाना तो तुम्हें होगा। कहां? पापा के घर वापस, क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी हूं। अब मैं सच बोलूंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या तुम समीर के काबिल हो? क्या समीर ने तुम्हें बाहैसियत बीवी अब तक कबूल किया? आप होते कौन हैं मियां बीवी के मामले में बोलने वाली? मियां बीवी का मामला क्या लतीफा सुनाती हो तुम? मामला तो ये है कि तुम्हारे कमरे में अब तक मेरी तस्वीर लगी हुई है। मामला तो ये है कि समीर के दोस्त तुम्हें समीर की बीवी कबूल कर ही नहीं सकते, वो तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और सोचने की बात ये है कि समीर ने अपने दोस्तों की ये गलत फहमी दूर करने की जरूरत ही नहीं महसूस की। माही जरा होश के नाखून लो, तुम खुद सोचो, उसने तुमसे मजबूरी में शादी की, अपनी माँ के सामने शादी निभाने का ड्रामा कर रहा है वो। तुम समीर के लायक नहीं हो। समीर को मुझ जैसी अप टू डेट बीवी चाहिए, तुम जैसी हांडी भूनने वाली बीवी नहीं। किस दुनिया में हो तुम माही बीवी? किस बात का इंतजार है कि समीर आए, तुम्हें हाथ से पकड़े और खुद बाहर निकाले? चली जाओ यहां से, चली जाओ माही, क्योंकि अब मैं वापस आ चुकी। सिर्फ तुम है दुआ, सिर्फ तुम।
अमन ठीक कहती हैं। अब पहले दिन से वहीं के वहीं खड़े, लेकिन मैं तो आपकी मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल आई हूँ। अब तो उसी के ख्याल से ही दम निकलता है, सांस रुकती है मेरी। आप जान सकते, समझ सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। काश आप जान सकते। किधर जा रही हो माही? मेरा साथ यहीं तक था। मैं ऐन वक्त पे पहुंची ना होती तो तुम तो जा चुकी थी माही। अब भी नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हें ये बेवकूफी करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। क्यों पप्पू? इस घर में सब अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, जिसका जो दिल चाहता है। आप मुझे क्यों रोकेंगी? तुम्हें क्यों? मैं समीर से पूछूंगी कि आखिर उसने ऐसा कहा क्या है तुम्हें। आप उनसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। मैं माँ हूं उसकी और वो मुझे जवाब दे है। अच्छा, क्या पूछेंगे आप उनसे? ये कि माही से मोहब्बत क्यों नहीं हुई, या ये पूछेंगे कि माही तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लगती? किस पप्पो जाने दो, मेरी बच्ची कुछ इज्जत मेरे पास ही रहने दे। नहीं मम्मी, नहीं। नहीं पप्पू, उनकी आंखों में अपने लिए बेजारी नहीं देख सकती। मैं अपने लिए उनके मुंह से इनकार नहीं सुन सकती। मुझे मोहब्बत हो गई है। शायद यही गलती हो गई मुझसे, लेकिन उन्होंने भी जितना वक्त मेरे साथ गुजार के एक्टिंग की है ना, मुझे उनका वही किरदार पसंद है। मुझे उसी को याद रखने दे। बंद करो ये रोना। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से अब एक लफ्ज भी निकला और एक आंसू और टपका। चुप, बिल्कुल चुप। अब मेरी बात गौर से सुनो। बेवकूफ, समन ने तुमसे चार झूठी सच्ची बातें क्या कर ली? तुम उन पे ईमान ले आई? हाथ से पकड़ के घर से निकाल दिया होता उसे और खुद चल पड़ी। तुम्हें समीर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना अपने मुंह से। वो कुछ कहता तुम्हें तो बाद में दम भी होता ना। और वैसे भी कोई ऐसे ही थोड़ी शिकस्त कबूल कर लेता है लड़े बगैर। तो मैं क्या करूं?
करना क्या है? समन का हाथ पकड़ के बाहर निकालो और समीर का गिरेबान पकड़ो। गिरेबान? हाँ, गिरेबान। मेरा साथ दें क्या? नहीं, मोहब्बत के मुकदमे में वकील नहीं करते बेटा। खुद मुजरिम, खुद मुद्दई और खुद ही मुनसिफ हुआ करते। गई नहीं अभी तक? नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हें खुद अपना बैग ले जाते देखा था। इरादा बदल दिया मैंने। अच्छा, क्यों? तुमने इसे जाते हुए देखा मगर मुझे आते हुए नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में अंदर आने की? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा सामान। पैकिंग कर रही हूँ आपकी। ड्राइवर बाहर खड़ा है, आपको हमारे घर से बहुत दूर छोड़ाएगा। हम्म, तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझे फैसला सुनाओ? तुम होती कौन हो? मालकिन हूँ मैं इस घर की, सुना आपने? और मैं क्यों पैकिंग करूँ? मुलाजमा को भेजती हूँ, वही मदद करेगी। क्या कह रही थी तुम? मालकिन हो तुम इस घर की? शक्ल देखी है मालकिन ने अपनी? मालकिन बनने के लिए शक्ल की जरूरत नहीं होती, अच्छी किस्मत की जरूरत है, तो जो आपने अपने हाथों से खो दी। एक्सक्यूज मी, मेरी किस्मत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरी किस्मत बनाना आती है। अच्छा, फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि इंसान एक दूसरे से सब कुछ छीन सकता है लेकिन उसका नसीब नहीं। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तभी तो समीर की बीवी कहलाने के बावजूद तुम समीर को नहीं पा सकी। ये समीर और मेरा मसला है और मैंने आपको इजाजत नहीं दी कि आप हम दोनों के बीच में कुछ भी बोले। वैसे चलो, एक बात तो बिल्कुल ठीक है, अब मालकिन बनने के लिए ना शक्ल की जरूरत होती और ना ही किस्मत की। हाँ, बस एक नजर पड़नी चाहिए जो कि एक बदकिस्मती से समीर की तुम पे। मैंने आपसे कहा ना, ये आपका मसला नहीं है, समझिए आप। कैसे मेरा मसला नहीं है? मेरा मसला है, तुमने यहाँ पे आके मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। मैंने कोई कब्जा नहीं किया, मैंने बस अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत बचाई है, बस। तो अब तुम अपनी इज्जत रखो और जाओ यहाँ से, इससे पहले कि समीर आए और तुम्हें हाथ से पकड़ के निकाले यहाँ से। चलो। समीर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, आपको पापा के घर छुड़वा देती हूँ, जाके उनसे माफी मांगे। और आइंदा इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मुझे ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहां से, निकलो। क्या हो रहा है ये? पप्पू, वो ये देखे माही मुझे घर से निकाल रही है, कह रही है कि तुम चली जाओ घर से। हाँ, मेहमान और मछली तीन तीन से ज्यादा घर में रखते तो उसमें भी बास आने लगती है। तुम्हें तो खैर खासे दिन हो गए यहाँ रहे हुए। ओ, अच्छा, तो ये सब माही आपकी जय पे कर रही है। ठीक है पप्पू, आप भी एक बात कान खोल के मेरी सुन लें, मेरी राह में जो रुकावट बनेगा ना उसे मुझे दूर करना अच्छी तरह से आता है, चाहे वो रुकावट कोई भी। पप्पू, आप मुझे घर से क्यों निकाल रही हैं? पप्पू, मैं कहाँ जाऊंगी? पप्पू, पापा मुझे वापस नहीं आने देंगे, मैं
मैं क्या करूं पप्पू? पप्पू मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालो प्लीज पप्पू, माफ कर दे मुझे, मुझे घर से मत निकाले माहिर, माहिर मेरी बहन। आज ना कल तो समझ तुम्हें यहाँ से जाना ही था, आखिर कब तक यहाँ पर रहोगी? तुम इज्जत के मानी नहीं जानती, मगर मैं तो जानता हूं, अगर उस दिन तुम्हें मैं अपने घर में जगह ना देता तो क्या खानदान की इज्जत दरबदर होने के लिए छोड़ देता? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानूंगी, वरना उस दिन रेस्टोरेंट में तुम अपने दोस्त को कह देते कि समझ नहीं माही तुम्हारी बीवी है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहता कि अब समझ नहीं माही मेरी, और समन क्यों गई निकाह पर मुझे छोड़कर? क्या अपना तमाशा बनवाता? पागल लगता हूं तुम्हें, मैं बेवकूफ नजर आती हूं तुम्हें? इतने दिन जो तुमने मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया समीर, वही प्यार, वही लगाव, सिर्फ माही के लिए, क्योंकि तुम माही की बहन। अगर माही चाहेगी तो तुमसे ताल्लुक रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये सब तुम्हारी चालबाजी है, अपनी मासूम सूरत लेके अपनी खिदमत गुजारियों से तुम मेरे समीर को मुझसे नहीं छीन सकती, जान से मार दूंगी। माही के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो, बीवी है वो मेरी। समीर मुझसे प्यार करते थे? करता था समन, अब नहीं। और मैं मानता हूं कि माही से मुझे मोहब्बत नहीं, लेकिन माही की मैं इज्जत करता हूं, और जिसकी आप इज्जत करें उसे मोहब्बत खुद बखुद हो जाती है। और समन, मोहब्बत और इज्जत दोनों अलग चीजें नहीं। नहीं समीर, तुम इस वक्त मुझ पे गुस्सा हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना, वरना तुम्हारे कमरे में लगी मेरी वो तस्वीर, अरे तुम्हारे फोन का पासवर्ड आज तक मेरे नाम पे इससे मिल। तुम्हारी तस्वीर मेरा और माही का पर्सनल मसला, और जहां तक पासवर्ड की बात है तो वो क्या है, SMN, right? तो S for Samir, M for Mahi, and N for my प्यारी माँ। You get it? नहीं, तुम मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, माही मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। समीर तुम मेरे हो, समीर तुम्हें क्या लगता है माही को छोड़कर तुम्हें अपनाऊं? नहीं सर, तुम्हारी जगह ना तो अब मेरे दिल में और ना ही इसका, बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहां से। समीर जाओ, जस्ट लीव। चाहता था कि ये तस्वीर तुम उतारो, और मैं चाहती थी कि तस्वीर आप उतारे। फिर कहा क्यों नहीं? मुझे लगता था आप मना कर देंगे। और अब सब कह दोगे? जी। माही, आज के बाद कोई बात अपने दिल में ना रखना। नहीं रखूंगी। Tell me that you love me.